फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज हम सबसे बड़ी अपडेट के साथ आए। अगर अब आप हायर एजुकेशन से जुड़े हैं किसी भी तरह कहीं से भी, यानी आपने क्या कर रखा हो, पीएचडी कर रखा हो, सेट कर रखा हो, यानी स्टेट लेवल का आपका क्या है, नेट कर रखा हो, आपने कुछ भी क्वालिफाई कर रखा हो, या फिर आप हायर एजुकेशन में एम्प्लॉयर हैं, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है। ये आप सारे पेज देख ही पा रहे हैं। रजिस्ट्रेशन पहला है आपका रजिस्ट्रेशन पेज, नेट क्वालिफाई कैंडिडेट, पीएचडी क्वालिफाई कैंडिडेट, सेट क्वालिफाई कैंडिडेट, आपका है एम्प्लॉयर रजिस्ट्रेशन। तो आपको क्या करना है कि इसमें से जो आपके पास क्वालिफिकेशन है उसमें आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, क्योंकि कोविड के टाइम से हायर एजुकेशन की तरफ क्या है, लोगों का ध्यान खींचने के लिए या लोगों को हायर एजुकेशन पूरी करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से क्या है कि ये योजना निकाली गई है, यानी यूजीसी की तरफ से है, एकेडमिक जो फॉर नेट सेट और पीएचडी क्वालिफाइड। ठीक है, तो आपको केवल यहाँ पर क्या करना है, सर्चिंग में डालना है और ये आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से आपको केवल टच करना है, आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये खुल गया विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, तो आपको आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से है, क्योंकि यही हायर एजुकेशन को क्या करती है, आपके रूल रेगुलेशन में बांधती है। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या है। तो आप अगर इसमें से कोई भी क्वालिफाई है, नेट है आपका, आप पीएचडी है, आप सेट हैं, तो हर स्टेट पे होता है, यूपी नहीं कराती, बट सेट पर, सेट क्या है कि हायर एजुकेशन का जिस तरह टेट होता है उस तरह सेट होता है। ठीक है, जैसे आपका यूपी टेट, आपका हरियाणा टेट, इस तरह के जो टेट होते हैं उस तरह ही हायर एजुकेशन का एक तरह से सेट होता है, जो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज कराया जाता है, या फिर हर जो कराना चाहे राज्य वो करा सकता है। तो यहाँ पे आपको दे रखे हैं ऑप्शन, रजिस्ट्रेशन है, लॉगिन है, आपका है क्रिएटेड या फिर अपडेट प्रोफाइल है, अगर आपका पहले से तो उसे अपडेट कर सकती है, सर्चिंग जॉब यानी जॉब को ढूंढ सकते हैं, इस तरह से आपको अपना भरना है। तो यहाँ पे देखिए सर्चिंग ऑन द ब्राउजर में क्या क्या है, ये सारे तीनों पॉइंट आपको पहले ही दिखा दिए गए हैं, ये टेलीग्राम पर कम से कम 20 दिन पहले बता दिया था, बट लग रहा है दिखा कि हाँ अपडेट में इसकी भी अपडेट दी जाए, यानी हायर एजुकेशन की, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है युवाओं के लिए, तो इसलिए हमें इस पर आप बनाने में मतलब कोशिश की है कि आप सबके पास ये अपडेट पहुँच जाए, क्योंकि ये अपडेट काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपका नेट यानी आपका जेआरएफ या फिर यूजीसी नेट या जेआरएफ जो भी बोलो वो एक ही, तो वो आने वाला है। आप सबको पता है कि अक्टूबर में उसका पूरा पीक, यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में उसके एग्ज़ाम है, तो जैसे एग्ज़ाम होता है आप उसके बाद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं। तो अब बस इतना ही। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं और अपडेट से भी जुड़ना चाहते हैं, या फिर आपका कंटेन सब्जेक्ट कोई भी हो तो भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए तथा शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपको किस फील्ड के अपडेट से ज़्यादा आवश्यकता है इस टाइम। धन्यवाद। जय हिंद।